बिसमरिमैम नादरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान ख़ान हूँ ये वीडियो आप आज सुन रहे हैं और आज के दिन में वज़ी अजम पाकिस्तान शबाज़ शरीफ़ साहब जो हैं उनकी मुलाकात होगी काजी फ़ायज़ ईसा साहब से ये बहुत अहम मौके पर बड़ी अहम मुलाकात है इस मुलाकात के होने से पहले ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये मौका है कि एक वज़र अज़म को एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहिए या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसे वज़र अजम से मिलना चाहिए जिनके मामला खुद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में हैं यानी जिस तरह की धांधली के नतीजे में वो हुकूमत बना पाए हैं और इस धांधली का आगाज़ हो जाता है आ, उन फ़ैसलों से आ, जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कहती है कि उनके नतीजे में धांधली का आगाज़ हुआ था मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान ले लेना जो जजेस थे उनमें कादी फायदी साहब भी थे उसके अलावा एक और जो आर का मामला था कि वो अदलिया से लिए जाएँ या बेरोसी से वहाँ पर कादी फ़ायद साहब ने पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ के मौक़ से अलग फैसला दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ को हुआ और पाकिस्तान में जैसा इलेक्शन हुआ वो सब जानते हैं और एक चीज़ और कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी कादी फ़ायद साहब ने पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ को घास नहीं डाला अदलिया में इंसाफ उनको नहीं मिला उनके बकौल अब इस सूरत हाल में जो बेनिफिशरी है वो शबाज़ शरीफ़ हैं और शबाज़ शरीफ़ वजीम पाकिस्तान बन गए फॉर्म फोटी सेवन की पर्ची पर लेकिन उन्होंने हलफ उठा लिया पाकिस्तान के आयन के मुताबिक वज़र अजम पाकिस्तान का गो के अवाम ने उनको वोट नहीं दिया और उनका ये मैंडेट नहीं है लेकिन वो वजीरम पाकिस्तान बन गए और उनसे अब शबाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं मुबैना तौर पर मेरी भी एक दो सहाफियों से बात हुई जो रिपोर्ट करते हैं पोलिटिकल साइड को उनका ये दावा है कि ये जो मुलाकात है ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है अब इसका ऐलानिया क्या होगा मुलाकात का ये तो चीज़ें बाद में आएंगी वजी एदम आफि इसमें क्या कहता है ये भी बाद में आएगा लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी टैक्स के मामलात तो और ये वो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे लेकिन एक्चुअली ये मुलाकात बड़े नाजुक मौके पर हो रही है और टाइमिंग की बात करने का यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा शौक है तो इस मुलाकात की टाइमिंग के ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि आज दोपहर को ये मुलाकात होने जा रही है असूलन ये मुलाकात तब होनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छह जजेस की जानब से उठाए गए इंतहाई नाजुक और हसास मामले पर ख़ुद किसी नतीजे पर पहुंचती लेकिन वजीर आजम को इसके बीच में मिलना उनसे मुलाकात करना काजी फ़ायदा साहब की इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक राय भी आई है उनके कुछ लोग कह रहे थे कि होना यह चाहिए कि दो सीनियर जजेज़ मजीद शहबाज शरीफ के साथ जो इस मुलाकात में काजी फ़ायज ईसा साहब की हो रही है मज़ीद दो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि जो भी बातचीत हो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और कादी फ़ायदी साहब पे क्योंकि पाकिस्तान इंसाफ कई मरतबा पहले कह चुकी है कि वो थोड़ा सा बदले के मूड में है पाकिस्तान इंसाफ को या इमरान ख़ान साहब को लेकर और इंसाफ बार बार इस बात का गिला और शिकवा भी करती है और फिर केसिस के साथ क्या हुआ ये भी आप देखते रहे हैं तो ऐसी सूरत में कादी फ़ायदी साहब अगर अकेले जाकर मिलेंगे या अकेले बुलवा शहबाज़ शरीफ को मिलेंगे तो फिर सवाल जन्म लेंगे होना ये चाहिए कि मजीद जजस भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि सबकी मौजूदगी में जो बातचीत हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे अब हुआ यह है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस मामले पर जो मामला उठाया छह जजिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ नुकते उसके बारे में उठाए जा रहे हो मैं आपको आगे जाकर बताता हूं लेकिन इस इजलास का एलामिया जारी होना था जो अभी तक जारी नहीं हुआ वजीरम जब मिलने के लिए आएंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे अब देखते हैं चीफ़ जस्टिस अपने साथ किसको को बैठाते हैं मुतालबा तो यह है कि दो सीनियर जजेस वहाँ पर मौजूद होने चाहिए एक चीज़ और है कि फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ उसका अलामिया जारी होना था उसका एलामिया जारी नहीं हुआ अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि तो वज़ी अजम पाकिस्तान से मुलाकात उसके बाद हो सकता है कि ये मीटिंग जो फुल कोर्ट की है वो दोबारा से उनकी मीटिंग हो इजलास हो और उसके बाद फिर एक ऐलामिया जारी किया जाए तो अब तीन ऑप्शन ऐसी हैं जो बन रही हैं कुछ और बार्स ने भी यानी पाकिस्तान बार कौंसल ने इसके अलावा जो दीगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं और एक तो बड़ी हैरत की बात यह है कि 10 दिनों का ऐलान कर दिया है कि 10 दिन के बाद जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और हंगामी इजलास बुलाया जाएगा लेकिन 10 दिन के बाद बुलाया जाएगा जजिस के इस मामले के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल का तो ये भी हंगामी इजलास जो है वो दस दिन के बाद आ रहा है तो आप अंदाजा कर लेंगे कितना प्रियोरिटी इस मामले को दिया जा रहा है और कितना हसास ये मामला है वैसे इस मामले पर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई हालांकि असल मामला तो पाकिस्तान तरीके इसाफ़ का है कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेज की बात कर रहे हैं जज साहबान के जिन केसेस में इमरान खान साहब को सजा देने का मामला था वहाँ पर दबाव आता था जट साहिबान ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उस दबाव की वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा है और गुजश्तः एक साल की वो कहानी सुना रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमने काजी फायदी साह साहब को भी पहले बता चुके हैं और दो लेटर्स भी इन्होंने साथ लगा दिए कि हम अपने चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को भी बारहा इसके बारे में आगाह कर चुके हैं और वो यकीन दहानी करवाने के बावजूद हमें तहफ़ नहीं दे पाए और ये दबाव का सिलसिला चलता चला रहा और अभी तक चल रहा है तो इस सूरत हाल में एक्चुअली इसकी जो बेनिफिशरी होनी चाहिए वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ होनी चाहिए कि इमरान खान का आपके खिलाफ जितने फैसले हुए हैं या हो रहे हैं उनमें जजिस को एक दबाव का सामना है और उस दबाव की वजह से जजिस ने ये लिखा है लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ ट्रायल गलत चले हैं वो तो दिखाई भी दे रहे हैं लेकिन वो गलत चले हैं और दबाव का नतीजा है अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसमें कुछ और चीज़ें भी कही हैं यानी बैरिस्टर गोहर जो है वो ये कह रहे थे कि एक जज ने कहा मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं एक ने कहा कि मेरे बेटे का वलीमा मर करवा दिया गया है चौदह चौदह घंटे की हेयरिंग्स की गई हैं ट्रायल में हमें क्रॉस एग्जामिनेशन और सबूत मुहैया करने का हक ही नहीं दिया गया इमरान खान के खिलाफ तमाम फैसले इंतहाई दबाव की हालत में दिए गए हैं अब ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा लेकिन तरीके इंसाफ सिर्फ इतनी संजीदा है कि जब ये फुल कोर्ट इजलास हो रहा था तो सिदीक जान ने वहाँ से रिपोर्ट किया और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने रिपोर्ट की उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त इस अदालत में मौजूद नहीं है ये नून लीग का मामला होता ना एक जज ने भी लेटर लिखा होता और सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज भी बैठे होते तो नून लीग के वहाँ पे दर्जनों वकील या सैकड़ों वकील मौजूद होते और बाहर उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ होता मीडिया के ऊपर खबरें सोशल मीडिया के ऊपर खबरें और एक दबाव का माहौल वो बना लेते लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस चीज़ को फोर ग्रांटेड लिया है और उनके वकला ने भी फोर ग्रांटेड लिया है उनकी जमात ने भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई तो ये तो उनकी अपनी पॉलिसी और उनकी अपनी मर्जी है लेकिन अब इसके अंदर ऑप्शन क्या हैं देखिए इसमें तीन ऑप्शन हैं नंबर एक ऑप्शन तो ये है जो मुख्तफ बुखला भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए या एक कमेटी बनाई जाए कमीशन बनाया जाए और उसके अंदर जो हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसी शहरत के हामिल जिनके ऊपर कोई जानबदारी का टैग नहीं है वो जज साहिबान इस मामले को देखें तीन जज साहिबान कम से कम हो वो इस मामले को देखें इसकी इंक्वायरी करें और इसके ऊपर रिपोर्ट फाइल करें और इसके ऊपर मामला आगे बढ़े नंबर एक नंबर दो ये हो सकता है कि इसके ऊपर अज खुद नोटिस ले ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर हैं पाकिस्तान के तीन वो ये बैठ के फैसला करें या सीनियर जजेस का जो एक पैनल है वो बैठ के फैसला करें और इसके ऊपर एक अज खुद नोटिस लिया जाए इस मामले पर क्योंकि ये जजेज ने एक लेटर लिखा है ये बहुत अहमियत का हामिल है तीसरा ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे काजी फायदी साहब शबाज शरीफ साहब को इसकी शिकायत करेंगे शरीफ साहब यकीन दहानी करवाएंगे कि जनाब मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस से आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगर ऐसी कोई शिकायत हैं तो हम उनको देख भी लेंगे और इसके बाद आइंदा ऐसी कोई शिकायत मौसू कभी भी नहीं होगी और आइंदा जजिस को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ये मुमकिन है कि शबाजश शरीफ साहब ऐसे कोई जुमले कहें उसके बाद कादी फ़ायज़ा साहब बाकी जज साहिबान के सामने ये मामला रखें और इसके ऊपर मिट्टी पाओ पॉलिसी हो सकता है आगे बढ़ जाए आ, लेकिन इस सूरत में मुझे लगता है कि दबाव बढ़ेगा और इस सूरत में बात शायद ना बढ़े लेकिन ये भी एक सूरत हो सकती है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शबाशिफ साहब जो है वो मिट्टी पाओ की पॉलिसी भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बनाएँ वहाँ पे जज साहिबान को और कादी फायदी साहब को ये बावर करवाएँ और उनके ज़रिए से बाकी जजेस को कहें कि जी आपकी शिकायत पहुंच गई है और इसके ऊपर अब हम एक्शन करेंगे और आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे अच्छा एक तो ये चीज़ है क्या ये हो सकता है एक सवाल और उठाया जा रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की कुछ और लोगों ने बात की वो ये कह रहे हैं और वो सहाफ़ी बात कर रहे हैं अच्छा सहाफ़ी बिलाव तत्ते तबे पर बैठ गए हैं बहुत सारे यानी उनका इससे लेना देना ही कोई नहीं है यानी अदलिया वाले मामले के ऊपर इससे पहले किसी एक जज के ऊपर एक छोटी सी बात होती थी छलानगे मारते थे ये सहाफ़ी आज छः जजेस लिख कर कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं यानी इमरान ख़ान ने एक खातून जज के बारे में लोअर जुडिशरी की खातून जज के बारे में एक जुमला कहा था तो ये सहाफ़ी जो है वो छलानगे मार रहे थे और अब छह जजेस लिख कर दे रहे हैं कि बहुत शदीद दबाव है उनके ऊपर तो ये सहाफ़ी जो है वो तत्ते दबे पर बैठे हुए हैं कि जजेज़ ने कैसे लिख कर दे दिया और ये लीक कैसे हो गया डॉक्यूमेंट लिखा हुआ तो ये बिल्कुल वैसे ही लीक हो गया जैसे काजी फ़ायदीसा साहब जब लिखते थे लेटर्स और वो जियो टी वी पर सबसे पहले चल जाते थे और बाकी टी वी चैनल्स को वो लीक हो जाते थे इसी तरह ये भी लीक हो गया ये कोई नई चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई और ये दबाव जो है ये भी कोई नया नहीं है जजेज ये बार बार कह रहे हैं वकला भी यही बात कर रहे हैं अब मामला यह है कि कहा जाता है कि क्योंकि ये तो फोरम ही सिर्फ जजेस के मुहासबों के लिए है इसके ऊपर तो कोई और चीज़ देखी नहीं जा सकती तो कोई और चीज़ तो उन्होंने मांगी नहीं देखें ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसके फंक्शंस क्या है ये जजेस का मुहासबा करता है सदर पाकिस्तान रेफरेंस बेचे तब या इनको खुद से कोई इंफॉर्मेशन आए उस बुनियाद पर यह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर बैठ जाए तो तब लेकिन जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी ये काम करते हैं अब जज ने एक राय मांगी है कि जनाब हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इसके ऊपर कोई ओपिनियन ही नहीं है कि अगर आपके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसियां दबाव डालें और आपको दबाव में लेकर आपके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करें तो इस सूरत में जज का कोड ऑफ़ कंडक्ट क्या होना चाहिए जज का कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए उन्होंने एक ओपिनियन मांगी है और यह ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मांगी जा सकती है तो इस नुकतः नज़र से ये बिल्कुल कानूनी मामला है दूसरी एक और चीज़ ये एक तरह से एक शिकायत भी है या आप इसे कह लें एक रेफरेंस टाइप का है ये एक चार्ज शीट है अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कि हमने अपने चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर बार बार आगाह किया और हम ये साथ लगा रहे हैं कॉपी ये आप देख लें और इससे पहले मिलकर भी हम इन्हें कहते रहे बार बार कि हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं लेकिन वो इनको रोकने में नाकाम रहे और वो बदस्तूर हो रही हैं तो ये वजूहत हैं जिनकी बिना पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये लेटर लिखा गया है तो इसकी कानूनी जस्टिफिकेशन तो बनती है लिखने की देखना यह है कि इस पर कादी फायदी साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट करती क्या है कादी साहब ने बड़ा मामला उठाया हुआ था मतिय जान साहब का हर हेयरिंग के अंदर मतुल्ला जान मतियुल्ला जान वो करते रहते थे शोर मचाते थे कभी वो अदालत के अंदर जो है वो ऐसा माहौल बन जाता था कि आई जी कहाँ है आई जी ने अब तक क्यों नहीं किया सीसी टीवी कहाँ बहुत सारे सवाल उठाते थे आज वही मतियला जान जिनके साथ पांच छह घंटे बड़ी सख्त ज्यादती हुई थी उनको पाँच छः घंटे के लिए अगवा किया गया था और बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई थी मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी मैं आज भी कहता हूँ वो एक मजलूम है वो विक्टम है आज वो जब बात करना चाह रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ तो पाकिस्तान ने उनको बात ही नहीं करने दी यानी ये तो मेरी समझ से बाहर है कि यह हुआ क्या उसी मती जान को जिसको इंसाफ दिलवाना चाह रहे थे जज साहब जिसके साथ हमदर्दी थी जज साहब की आज उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे अदालत के अंदर वो अपनी बात कहना चाह रहा था कि मैं विक्टम हूँ यानी विक्टम को तो बोलने का हक होना चाहिए और इससे पहले मुझे कुछ साफियों ने बताया कि मुतील्ला जान साहब को बोलने का हक दिया गया दीगर साफियों को भी बार बार बोलने का हक दिया गया लेकिन आज उनको नहीं बोलने दिया गया शायद आज चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि अदालत में कोई और बोले नाजरीन ये मामला चलता रहेगा अब आज के दिन में जो कुछ भी होता है वजीर आजम और चीफ जस्टिस के दरमियान और उसके बाद जो भी दोबारा बैठते हैं फुल कोर्ट इजलास हो रहा था दोबारा जब बैठते हैं तो वहां से जो खबर निकलती है वो आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन एक और खबर जो मैंने आपको पिछले वी में कही थी ज़रा उसकी आप देख कैसे पब्लिक का पैसा ज़ाया किया जा रहा है एक तो बहुत सारी सामने आ गई हैं जिनमें जो राशन तकसीम किया जाना था अच्छा जो राशन तकसीम किया जाना था उसमें मुख्य हजरात का पैसा भी है ये याद रखिएगा जो राशन तकसीम किया जाना था वो राशन पहुंच गया है दुकानदारों के पास वो राशन पहुंच गया है उन जगहों पे जहां पे डीलर्स बैठे हुए हैं और वीडियोज़ ये बता रही हैं कि धड़ा धड़ राशन के जो ऊपर वाले लफाफे हैं जिनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुंह बना हुआ है वो लफाफे उतार के ऊपर वाला बोरियाँ उतार के ऊपर वाले स्टिकर्स उतार के और उसको दूसरी जगहों के अंदर पैक करके दोबारा से बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है तो जनाब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो राशन गरीबों तक पहुँचना था सस्ते दामों में वो राशन बजाय गरीबों के पास पहुँचने के वो अब कहीं और पहुँच गया है और ग़रीब उसको ख़रीदने पर मजबूर होंगे एक तो ये वीडियोस आ रही हैं वीडियोस के सबूत मौजूद हैं सोशल मीडिया पे आप जाकर देख सकते हैं दूसरा हुकूमत पंजाब ने सरकारी अफसरान को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में लाहौर में लग्जरी घर देने का मनसूबा तैयार कर लिया है लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए डी एच ए में फी कस पैंतीस करोड़ रुपए मालियत के एक सौ सत्ताईस नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे इस मनसूबे की समरी ऐवान वजी को हर साल कर दी गई है यानी गरीब के लिए जब बनाएंगे आशियाना बनाएंगे और वो भी उसको पैसे लेकर उसको किस्तों में देंगे गरीब के लिए आशियाना तीन मरले पाँच मरले और जो अफसरान हैं उनके लिए बड़े बड़े घर एक घर की मालियत पैंतीस करोड़ रुपए और एक सौ सत्ताईस नए घर बनाए जाएंगे वजी को हर साल कर देगी समरी जो दस्तावेज़ा हैं उनके मुताबिक लाहौर में अफसराने बाला के लिए नए लग्जरी घरों की तमीर में डी एच ए से मदद ली जाएगी चौदह सौ कनाल ज़मीन पर एक सौ नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे। दो कनाल के एक घर की तामीर पर मजमू तौर पर पैंतीस करोड़ रुपए लागत आएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मनसूबे की समरी ऐवान वजीर अला पंजाब को अरसाल कर दी है ज़राए के मुताबिक वजीर अ पंजाब मरीम नवाद काबीना के अजलास में हतबी फैसला करेंगी अब आप एक और चीज़ भी देखिए मरीम नवाज साहबा तशरीफ लगेगी गलवन सरगोदा की वीडियो थी वहाँ जा जनाब ये पुलिस सेंटर में गई वहाँ पर पुलिस वालों ने इनको जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उन्होंने इनको तस्वीरें पेश कीं जिसमें पोर्ट्रेट्स मरीम नवाज़ की अपनी बनाई हुई थी क्या नरगजियत का शिकार हैं ये लोग यानी पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कारकर्दगी गई भाड़ में ये खुद पसंदी का शिकार हैं नरगसीत का शिकार हैं इनको इनकी फोटो में दिखाओ इनकी खुशामद करो ये ऐसे ही खुश हो जाएंगी ये हाल है यानी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि इनकी साइकी और मैंटेलिटी क्या है ये अपने से ताकतवर की खुशामत करते हैं उनके पैरों में लेट जाते हैं और अपने से नीचे हर शख्स से इस बात की तवक्को करते हैं कि वो इनकी खुशामत करें ऐसे तो काम नहीं चलेगा और ये कौन सा तरीक़ा है अब तक इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़